हूँ डॉक्टर सजल सरकार, BHMS होम्योपैथी स्किन केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम एक नया विषय के बारे में चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली महिलाओं के ऊपर में आधारित है। और मेरे ख्याल से जो ऐसा कोई भी महिला नहीं होंगे जो अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार भी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किए होंगे। तो इस प्रॉब्लम का नाम है दोस्तों डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया जो एक मेडिकल टर्म है या नाम आप कह सकते हैं, इसका मतलब है सरल भाषा में अगर हम उसको कहने जाए, उसका नाम है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि एक पेन स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में। ये स्पेशली दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक प्राइमरी डिसमेनोरिया, एक है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया जो है स्पेशली ये यंग गर्ल हो गया, यंग लेडीज लोगों को होता है और जिसमें पेन तो होता है लेकिन माइनर हिसाब से होता है और इसके साथ में कोई मेजर केस एसोसिएटेड नहीं रहता है, मेजर प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं। और जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है वो स्पेशली ओल्डर लेडीज को होता है जो कि अबव द एज ऑफ 30 होते हैं, और उन महिलाओं में स्पेशली जो डिसमेनोरिया होते हैं उसके साथ में कोई ना कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम लिंक रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या अधिक आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे लेकिन चांसेस संभावनाएं देखा जाता है। तो जैसा कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, जैसा कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, यूट्राइन सिस्ट हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, एडिनोमाइसोसिस हो गया, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है जुड़े रहते हैं इस प्रॉब्लम के साथ में, लेकिन जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे। कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कुछ महिलाओं को जिनको कि बहुत ज़्यादा सीवियर या हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनमें भी डिसमेनोरिया का प्रॉब्लम या संकेत दिखाई देता है। कुछ महिला जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं उनको भी इस प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखा गया, उन महिलाओं में भी इस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने के लिए संभावनाएँ रहते हैं। कुछ गर्ल्स जिनको कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल अबव द एज ऑफ 12 में हो जाता है उनमें भी इस टाइप के प्रॉब्लम को देखा जाता है। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, और जो हार्मोन स्पेशली इसमें के लिए इफेक्ट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि यूट्राइन मसल को हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्राइन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सीवियर पेन होता है हमारा एब्डोमिनल मसल पे, जो कि हम अभी जाके सिम्टम्स में इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करें। तो ये तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर है दोस्तों जिसके चलते ये प्रॉब्लम हमें हो सकते हैं। अभी हम इसका सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। सिम्टम्स में तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीवियर पेन इन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन जो हमारा तल पेट रहता है, सरल भाषा में अगर हम उसको बोलने जाए तल पेट में बहुत ज़्यादा महिलाओं को पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है, और ये चलता है टिल द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ये बंद होता है तभी ये पेन भी ऑटोमेटिकली चला जाता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर रूप में होता है। बहुत सारे महिला इसको सहन भी कर नहीं पाते, स्पेशली यंग एज के जो लोग रहते हैं जो उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहता, अभी इस चीज़ को समझते नहीं है, उनको ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। कुछ महिलाओं को जो है राइट साइड में लोअर एब्डोमेन का पेन ज़्यादा आता है, कुछ महिलाओं को लेफ्ट साइड में लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये जो पेन है कभी कभी ये रेफर्ड पेन जिसको हम कहते हैं घूम के जाता है हमारा ये कमर, जिसको हम कमर कहते हैं कमर में लुम्बेगो जिसको भी हम मेडिकली कहते हैं कमर में चला जाता है। कुछ महिलाओं को ये जो पेन है थाई तक भी नीचे थाई में भी चला जाता है, तो ऐसे इस प्रॉब्लम रेफर्ड पेन भी इसमें केस में हमें देखने को ये मिलते हैं। और ये पेन जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत सारा महिला इसको सहन नहीं कर पाते हैं, जिनके चलते ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, कोई काम काज करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा छाया रहता है, नौसिया वॉमिटिंग जैसा सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं को सिर दर्द वगैरह डिजीनेस चक्कर जिसको हम कहते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम भी शो आउट होते हैं या देखने के लिए हमें सिम्टम्स में आधारित रहते हैं। और ये सब दोस्तों होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो कि हमारा यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके चलते सिकुड़ जाता है हमारा मसल, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट के चलते हमें ये पेन जैसा सिम्टम्स जो है शो आउट होते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया इसका सिम्टम्स के बारे में। अभी हम इसका डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। डायग्नोसिस में दोस्तों हम नॉर्मली
ये हमारे एक्सपर्ट के ऊपर भी छोड़ते हैं, यही डायग्नोज करके तय करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे केस में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि इंटरनली कोई यूट्राइन फाइबर या यूट्राइन सीस्ट हो गया, एंडोमेट्रियोसिस जैसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो हम फिर इसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। और अभी हम इसका प्रिकॉशन प्रिकॉशन में दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं अपना हर वीडियो में आप सभी लोगों को कहता हूँ, प्रिकॉशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई भी बीमारी नॉर्मली आता नहीं है या आने से भी काफ़ी आसानी से भी चले भी जाते हैं। तो प्रिकॉशन में दोस्तों ये देखा गया है कि बहुत सारे महीने हैं जो लोग की रेगुलर प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्मली नहीं होता या होने से भी काफ़ी आसानी से रिकवरी भी या रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग कोई प्राणायाम या योगा वगैरह अपने लाइफ में ऐड नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इसको ऐड कीजिए और इस प्रॉब्लम से अपने आप को दुविधा से दूर कीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रिकॉशन के बारे में, अभी हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रीटमेंट के जरिए हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली रिमूव कर देंगे या ठीक कर देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 30। अब देख लीजिए फ्रेंड्स बेलाडोना 30 जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। सेकेंड मेडिसिन है कोलोसिन 30 इसका भी 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। थर्ड मेडिसिन है विबुनम ऑक्सुनालिस जिसका कि 30 पोटेंसी में लेना है, इसका भी 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। एंड फोर्थ मेडिसिन है फ्रेंड्स मैकफॉस 200 जिसका कि 4 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है। मतलब फ्रेंड्स ये चारों मेडिसिन को हमें दिन में 4 बार लेना है, 4 4 बूंद करके खाना खाने से 1 घंटा पहले, सुबह 12 बजे शाम को रात को, इस टाइप का हम अपने 5 से 6 घंटे के इंटरवल में हम सभी मेडिसिन को लेना है। और देखेंगे फ्रेंड्स कि कुछ ही महीनों के अंदर में ही आप इस प्रॉब्लम से परमानेंटली निजात पा जाएंगे। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जरूर इस मेडिसिन को एक बार आप ले सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने से पहले अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है या कोई जानकार अच्छे डॉक्टर है तो आप इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। और अगर अधिक कोई जानकारी चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन मन में कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका जो भी मन में शंका दुविधा हो मैं इसको क्लियर कर पाऊँ और आपको ताकि कोई हेजिटेशन ना हो उस मेडिसिन को लेने के लिए। दोस्तों अगर जैसा कि हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सर्विस भी चालू है जो कि हम ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आपको इस प्रॉब्लम का ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चाहिए तो भी हम इसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इंडिया से कहीं से भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए कोई दूसरे बीमारी के बारे में भी अगर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहिए तो भी आप हमसे दे सकते हैं, हम आपसे आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।